Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम बात करेंगे 2008 की डच फिल्म ब्राइड फ्लाइट के बारे में। ये कहानी है चार लोगों की जो ब्राइड फ्लाइट नाम के एक प्लेन में एक दूसरे से मिले थे, जहां से उन चारों की जिंदगी एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाती है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक बूढ़े आदमी फ्रैंक को, जो एक पहाड़ी इलाके में रहता है। वो अपने खेतों को देखकर अपने दोस्त मोजी के पास जाता है, जिसके साथ वो वाइन बनाता है। मोजी उसे अपनी बनाई वाइन पिलाता है, जिसे पीकर फ्रैंक को लगता है कि उसने परफेक्ट वाइन बना ली है। घर वापस आते हुए उसका ध्यान हटने पर उसकी गाड़ी एक खेत में जाकर फंस जाती है। गाड़ी से निकलकर वो अपने कीचेन में लगी एक फोटो देखता है और उसे कुछ बातें याद आने लगती है। 1953 में ग्रेट एयर रेस हुई थी, जो लंदन और क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड के बीच हुई थी। वो रेस 20,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेस थी, जहां प्लेन के पैसेंजर्स ज्यादातर वो औरतें थी जिनके पति या होने वाले पति हॉलैंड को छोड़ क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में चले गए हैं और अपनी नई और बेहतर जिंदगी की शुरुआत करने की तैयारी कर रहे हैं। उस वक्त हॉलैंड में वॉर चल रही थी, जिसकी वजह से उन्हें अपना देश छोड़कर बाहर जाना पड़ा था। इन्हीं पैसेंजर्स में है तीन औरतें, एस्थर, मार्जरी और अदा, और एक आदमी फ्रैंक। ये चारों एक दूसरे से जान पहचान करते हैं, जहां मार्जोरी अपने होने वाले पति के बारे में उन्हें बताती है और एस्थर बताती है कि वो एक फैशन डिजाइनर है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि फ्रैंक गुजर गया है और उसकी मौत की खबर एस्थर, मार्जोरी और अदा को मिलती है। खबर मिलते ही एस्थर मार्जोरी को कॉल करती है, जो उससे किसी चीज के बारे में बात करना चाहती है। अदा फ्रैंक के बारे में भूली नहीं है और उसे सारी बातें याद आने लगती है। वो पहली बार प्लेन में ट्रैवल कर रही थी और घबराई हुई थी, तब फ्रैंक ने उसे संभाला था। वो फ्रैंक को पसंद करती थी और फ्रैंक भी उसे पसंद करने लगा था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि अदा अपने पति के साथ रहती है, जिसके पूछने पर वो उससे कहती है कि वो फ्रैंक के फ्यूनरल में नहीं जाएगी, और उसके पास आई हुई चिट्ठी वो डस्टबिन में फेंक देती है, पर अदा वहां जाना चाहती है। मार्जोरी को चोट लगने के बावजूद वो वहां जाने की जिद करती है और उसका बेटा उसके साथ जाने के लिए मान जाता है, और वो अपनी बेटी को बताता है कि वो लोग वहां आ रहे हैं। एस्थर, मार्जोरी और अदा न्यूजीलैंड के अलग अलग जगहों से फ्यूनरल के लिए निकलते हैं। एस्थर को अदा बहुत खूबसूरत लगती थी और वो चाहती थी कि वो एस्थर की बनाई ड्रेस अपनी शादी में पहने, और ड्रेस ट्राई करते वक्त फ्रैंक उसे वहां देखने आता है। तभी खराब मौसम की वजह से टर्बुलेंस होता है और अदा डरने लगती है। जब अगली सुबह प्लेन पाकिस्तान में रुकता है, तब डर के मारे अदा वहां से भागती है और कहती है कि वो उस प्लेन में नहीं आना चाहती। फ्रैंक उसे संभालने आता है और तब वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। वो अदा से कहता है कि वो उसे अपने साथ ले जाएगा, और तब वो उसे बताती है कि वो पहले से शादीशुदा है। वो कहती है कि उसकी प्रॉक्सी मैरिज हुई है, यानी कि वो अपने पति से मिली नहीं है, पर उसकी शादी करवा दी गई है और बस रिवाज पूरे करने के लिए उसे फॉर्मेलिटी करनी है। फ्रैंक उससे पूछता है कि वो उस आदमी से प्यार करती है या फ्रैंक से। तब वो बताती है कि वो उससे सिर्फ एक बार मिली है, पर वो प्रेग्नेंट है। वो आदमी अदा के सामने रोने लगा था क्योंकि उसका पूरा परिवार खत्म हो गया था और उसे संभालने के लिए अदा को ऐसा करना पड़ा। अदा को इस बात से तकलीफ होने लगी थी कि इस सब की वजह से फ्रैंक उससे दूर हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोग न्यूजीलैंड पहुंचते हैं और फ्रैंक और अदा के अलग होने का वक्त आ गया था। मार्जोरी को उसका बेटा फ्रैंक के घर छोड़कर अपनी बेटी के पास जाता है, और तब उसे एस्थर दिखती है, और कुछ देर बाद वहां अदा आती है, जिसने वो जगह पहले भी देखी है। न्यूजीलैंड पहुंचने पर वो चारों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, जहां अदा का पति उसे एक पुरानी सोच वाला आदमी समझ आता है। वो ना तो अदा से ठीक से मिलता है और ना ही उसे वो इज्जत देता है जो देनी चाहिए। गाड़ी में बिताए 6 घंटे का सफर भी अदा के लिए मुश्किल था, और ये सब कुछ उसके दोस्तों ने और फ्रैंक ने भी देखा था। मार्जोरी अपने पति के साथ नए घर में शिफ्ट हो गई थी, पर उसके लिए इस नई जगह पर रहना थोड़ा मुश्किल था। अदा की शादी हो जाती है, जिसमें वो एस्थर की बनाई ड्रेस नहीं पहन पाती। शादी के वक्त भी उसके दिमाग में फ्रैंक ही था,
और शादी के बाद अदा का पति डेरेक उसे घर ले जाता है, जो पहले तो अदा को लगता है कि दूसरे घरों के साथ होगा, पर उसे पता चलता है कि वहाँ से दूर पहाड़ी में एक बंकर में था। अदा ना तो उस घर में खुश थी और ना ही डेरेक उसे खुश रखना चाहता था या उसके करीब आना चाहता था। दूसरी ओर एस्थर और फ्रैंक एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वो फ्रैंक के साथ जाना चाहती थी, पर फ्रैंक इस बात को मजाक समझकर वहां से चला गया था। एस्थर उस आदमी के साथ नहीं जाना चाहती जो उससे शादी करके उसकी आजादी उससे छीनना चाहता है, और इसीलिए मार्जोरी के साथ रहने चली जाती है। मार्जोरी के शादी के वक्त वो उस आदमी से इस बारे में बात करती है, पर वो एस्थर को छोड़ना नहीं चाहता। वो चाहता है उन दोनों के बच्चे हो और जिंदगी भर एस्थर हाउसवाइफ बनकर रहे और उन्हें खाना खिलाए, पर एस्थर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती और ना ही वो ये चाहती है कि वो किसी जीव बच्चे को जन्म दे। वो अपने खानदान को भी नहीं बढ़ाना चाहती और इसीलिए वो किसी जीव आदमी से शादी करना नहीं चाहती। वो उसे धक्का देकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वो उसी घर में किराए पर रहने लगती है जहाँ मार्जोरी रहती थी, और अपने फैशन डिजाइनिंग के काम से पैसे कमाने लगती है। मार्जोरी डॉक्टर से मिलने जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, और इस न्यूज के बाद उसके और उसके पति की खुशी दुगनी हो जाती है। वो दोनों एक नया घर खरीदने का सोचते हैं, पर फिर मार्जोरी को कुछ तकलीफ होती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उसे पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है और इसके बाद मार्जोरी कभी माँ नहीं बन पाएगी। इस सब की वजह से वो बदल जाती है और खुश नहीं रह पाती। कुछ दिनों बाद एस्थर उससे मिलने आती है और उसे संभालती है, और इसी बीच वो उसे बताती है कि वो खुद माँ बनने वाली है। एस्थर की शादी होने से पहले ही वो प्रेग्नेंट है, इस वजह से उसके काम पर असर हो रहा है और उसे घर से निकाल दिया गया है, और वो कहती है कि वो ये बच्चा नहीं चाहती और वो ना ही अबॉर्शन करवाना चाहती है। वो चाहती है कि वो बच्चा मार्जोरी अडॉप्ट कर ले, पर मार्जोरी ऐसा करने से इनकार कर देती है। एस्थर उसे समझाती है कि ये बच्चा एक जीव होगा और इसीलिए वो ये बच्चा रखना नहीं चाहती। दूसरी ओर मार्जोरी का पति चाहता है कि वो उस बच्चे को अडॉप्ट कर ले ताकि उनके बच्चे की कमी पूरी हो जाए, और वो लोग ऐसा करने के लिए मान जाते हैं इस शर्त पर कि किसी को पता ना चले वो बच्चा एस्थर का है। कुछ वक्त बाद अदा की बेटी होती है जिसका नाम वो जूली रखती है, और जूली के आने पर वो फिर से खुश रहने लगती है। एस्थर को लेकर मार्जोरी और उसका पति एक छोटे से घर में जाते हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, और उसी घर से एस्थर अपना काम करती है। कुछ वक्त बाद एस्थर माँ बन जाती है। उसे अब एहसास होता है कि उसे अपना बच्चा मार्जोरी को नहीं देना चाहिए था, और उसे इस बात से तकलीफ होने लगती है कि वो अपने बच्चे से माँ की तरह प्यार नहीं कर पाएगी। मार्जोरी और उसका पति उस बच्चे को लेकर दूसरी जगह रहने जाते हैं, और एस्थर को भी एक नई जगह रहने जाना पड़ता है। फ्यूनरल में मार्जोरी का बेटा और उसकी पोती आते हैं, जिन्हें देखकर एस्थर हैरान हो जाती है। वो नहीं जानती थी कि उसका बेटा वहाँ आने वाला है, और सालों बाद अपने बेटे को देख रही थी, जो जानता भी नहीं कि वो उसकी असली माँ है। वो उससे बातें करने लगती है, जो देखकर मार्जोरी को घबराहट होती है इस बात से कि एस्थर उसके बेटे को उससे छीन लेगी। अदा को जूली के बाद दो बेटे हुए थे जिनके साथ वो खुश थी, पर एक दिन डेरेक को फ्रैंक के बारे में पता चलता है। उसे पता चलता है कि फ्रैंक और अदा एक दूसरे को अब भी चिट्ठियां लिखते हैं। फ्रैंक और मार्जोरी का परिवार एक ही शहर में रह रहे थे, और उसी शहर में एस्थर ने अपना डिजाइनर स्टूडियो खोला था। सालों बाद वो सब एक दूसरे से मिले थे, और अपने बच्चे बॉबी को देखकर एस्थर फिर से परेशान होने लगी थी। फ्रैंक ने तब उसे बताया कि अदा और वो एक दूसरे को चिट्ठी लिखते हैं। इस बारे में चर्च काउंसिल को बताया जाता है, और अदा को जलील किया जाता है ये कहकर कि उसने पाप किया है, और उस रात अदा का पति उसके साथ जबरदस्ती करता है। ऐसा होने पर अदा घर छोड़कर भागने का फैसला करती है, और अपने आप को पूरी तरह बदलकर वो फ्रैंक के पास चली जाती है। फ्रैंक उसे अपना घर और खेत दिखाता है और अपने दोस्त मोजी से मिलाता है। वो दोनों वाइन बनाते हैं, और फ्रैंक चाहता है कि अदा उसके पास रह जाए। वो दोनों परफेक्ट वाइन बनाने वाले हैं, और फ्रैंक चाहता है कि वो वाइन बनने के बाद अदा उस वाइन को टेस्ट करे, पर वो कहती है कि वो वहां रुक नहीं सकती। बस का इंतजार करते करते अदा कुछ सोचने लगती है और रुकने का फैसला कर लेती है, और वो फ्रैंक के साथ ही रहने लगती है। पर उसी रात उसका पति वहां आ जाता है। वो अदा को जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहता है, और फ्रैंक और उसके बीच मारपीट होती है। गुस्से में फ्रैंक उसे डराकर भगा देता है। अगली सुबह वो अदा को लेकर मार्जोरी से मिलने जाता है। वो दोनों बॉबी को पिकनिक पर ले जाना चाहते हैं, पर जब मार्जोरी को पता चलता है कि एस्थर भी वहां आ रही है, तो वो भी उनके साथ चली जाती है।
वो सब वहाँ की अलग अलग जगह घूमते हैं और मार्जोरी देखती है कि बॉबी को एस्थर के साथ अच्छा लगने लगा है। एस्थर उसे बताती है कि उस जगह हीरे हैं जिन्हें लेने आज तक कोई नहीं गया, क्योंकि वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, पर अगर वो हीरे उनके पास होते तो वो लोग बेहद अमीर हो जाते। ये बात सुनने पर बॉबी गायब हो जाता है और हर कोई उसे ढूंढने लगता है। अदा को समझ आता है कि वो उन हीरो को लेने गया है और वो अंदर जाकर बॉबी को बचा लेती है, जो उसे बेहोश मिलता है। इसके बाद बॉबी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। रोते हुए बॉबी को देख अदा को अपने बच्चे याद आने लगते हैं और एस्थर अपने आप को दोषी मानकर रोने लगती है। बॉबी को कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में रखा गया था और वो फ्रैंक और एस्थर को वहां से जाने के लिए कहती है। बाहर आने पर फ्रैंक को समझ आता है कि अदा वापस अपने घर लौट गई है और अब अपने पति और बच्चों के साथ रहती है, और उस दिन के बाद वो अदा से कभी नहीं मिला। कुछ दिनों बाद एस्थर बॉबी से मिलने जाती है। मार्जोरी उसे रोकना चाहती है, पर उसका पति उसे समझाता है कि उसे भरोसा रखना चाहिए। एस्थर उसे अपने भाई के बारे में बताती है, जिसे हॉलैंड में मार दिया गया था, और कहती है कि बॉबी बिल्कुल उसके भाई की तरह दिखता है। वो रोने लगती है और तब वहां मार्जोरी आती है और उसे वहां से बाहर निकालती है। कुछ दिनों बाद एस्थर के स्टूडियो में उसने एक इवेंट रखा जहां सिर्फ फ्रैंक आया, पर कुछ देर बाद उसे भी वहां से जाना पड़ा। एस्थर फ्रैंक के पीछे जाती है और उन्हें पता चलता है कि मार्जोरी अपने परिवार को लेकर हॉलैंड जा रही है, वो भी बिना किसी को बताए, और जो गिफ्ट एस्थर ने बॉबी को दिया था वो भी उसने फेंक दिया, जबकि उसने मार्जोरी को बताया था कि वो उसके परिवार की निशानी है। वो दोनों उन्हें फ्लाइट में बैठने से पहले रोकते हैं और एस्थर मार्जोरी से कहती है कि यहाँ से जाकर वो बहुत बड़ी गलती कर रही है और इतनी अच्छी जिंदगी पीछे छोड़कर वो पछताएगी। जाने से पहले एस्थर उसे बॉबी के पिता के बारे में बताने की कोशिश करती है, पर वो बिना सुने वहां से जाने लगती है, और तब इशारे में एस्थर उसे बताती है कि बॉबी का असली पिता फ्रैंक है। फ्रैंक के कॉफिन को दफनाने से पहले मार्जोरी और एस्थर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि बॉबी वहां मौजूद था, और अदा और मूजी भी एक दूसरे से सालों बाद मिलते हैं। बॉबी की बेटी एस्थर को अपने परिवार के बारे में बताती है और तब फोटो में एस्थर को वही गिफ्ट दिखता है जो उसने बॉबी के लिए दिया था। एस्थर मार्जोरी से कहती है कि वो एक ज्यूइश बच्चा नहीं चाहती थी, पर अंत में उस बच्चे ने ही एक ज्यूइश औरत से शादी कर ली। वो अपने ज्यूइश खानदान की निशानी खत्म करना चाहती थी, पर वो खानदान और बढ़ता जा रहा है। इससे अच्छा होता कि वो बॉबी को खुद ही पाल लेती। और मार्जोरी कहती है कि बॉबी को सच का पता चलना चाहिए, पर एस्थर कहती है उन दोनों की गलती की सजा बॉबी को नहीं मिलनी चाहिए और चीजें जैसी चल रही है उन्हें वैसे ही रहने देना चाहिए। अंत में अदा फ्रैंक की बनाई परफेक्ट वाइन देखने जाती है और उसकी पुरानी तस्वीर देखकर वहां से घर वापस लौटने लगती है। वो तीनों अब अपने अतीत को एक अच्छा अंत देखकर अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।